बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 2 वेक्टर इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन 10 है, तो 5-8 डिस्कस करेंगे और 5 इसके बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को समझे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, इज इट पॉसिबल टू एट 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन टू गेट अ नल वेक्टर। इस क्वेश्चन में ये है कि क्या ये बात पॉसिबल है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर हो जिसके मैग्नीट्यूड जो है इक्वल हो और उससे डायरेक्शन डिफरेंट हो और उससे हम नल वेक्टर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में हमने डिफाइन करना है नल वेक्टर को कि व्हाट इज नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर होता क्या है? नल वेक्टर का मतलब है अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 0 एन आर्बिट्री डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट अ नल वेक्टर। फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में ये है कि अगर हम 3 इक्वल वेक्टर ले ले तो क्या उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इसके रिजल्टेंट नल वेक्टर हो सकता है? तो इसका आंसर होगा यस। अब देखिए बच्चे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 वेक्टर है, ये है वेक्टर ए इक्वल और ये हमारे पास है वेक्टर बी। अब ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये बी है। अब अगर हम फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाए तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट जो है वो क्या है? वो 0 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू ए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो यस, अगर हमारे पास 3 इक्वल वेक्टर हो तो डायरेक्शन डिफरेंट हो तो इसका जो नल वेक्टर है वो 0 हो सकता है। इसके बाद बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। इसमें ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर 2 मीटर 3 मीटर एंड 5 मीटर। देखिए हमें 3 वेक्टर दिए है, ये हमारे पास है 2 मीटर, ये हमारे पास है 3 मीटर और ये हमारे पास है 5 मीटर। हमें कहा गया है कि द डायरेक्शन आर इट योर प्रपोजल, डायरेक्शन आप अपनी मर्जी का इसको दे दे। लेकिन क्या अगर इन 3 वेक्टरों को हम जमा करें तो इसका जो रिजल्टेंट है वो नल वेक्टर हो सकता है? तो देखिए अच्छे, यहाँ पे सॉल्यूशन में ये है कि डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से करें। तो ये हमारे पास 2 वेक्टर है, अगर हम इसके डायरेक्शन को यहाँ पे इस तरह करें तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन को हमने रिवर्स किया तो ये हमारे पास -2 मीटर है। अब यहाँ पे अगर हम इस तरह करें तो ये मेरे पास क्या होगा? -3 मीटर। अब अगर हम इन दोनों वेक्टरों को जमा करें तो ये हमारे पास है -2 मीटर -3 मीटर, तो इससे आएगा -5 मीटर। अब अगर हम इसके साथ इसको ऐड करें सो -5 मीटर +5 मीटर सो द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 0। तो यस, ये पॉसिबल है कि अगर हम 2, 3, 5 को डायरेक्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक ले लें तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो सकता है? वो 0 हो सकता है। इसके बाद से हमने डिस्कस करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर है, इसमें आपसे ये कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट यूनिट आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर आई जे के। ये हमसे क्वेश्चन है
कि IJK को हम कौन सा यूनिट दे सकते हैं। देखिए बच्चे, यहां पे इसका मतलब ये नहीं है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज वन एंड हैविंग डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास है, देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यहां पे जो आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें किसके बारे में बताता है, डायरेक्शंस के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम कोई यूनिट दे दे, बल्कि आई जे के हमें शो करता है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। इसके बाद हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आंसर ऑफ व्हाट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बच्चे, कैन अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बी नेगेटिव, प्रोवाइड अ प्रूफ एंड गिव एग्जांपल। अब हम यहां पे देखिए ना, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि व्हेन टू वेक्टर इज मल्टीप्लाई एंड एज ए रिजल्ट वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी, सो दे आर कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर स्केलर प्रोडक्ट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे इफ वेक्टर ए इज अ एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, सो देन एंगल इज हाउ मच, 180 डिग्री। अब अगर ये मैं इसमें पुट करूं तो ए डॉट बी हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री। हम जानते हैं बच्चे कि कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1, तो ए डॉट बी हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई दैट इज माइनस ए बी। तो अगर हमारे पास एंगल 180 हो तो ए डॉट बी हमारे पास नेगेटिव हो सकता है। अब डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल क्या है, देखिए ना बच्चे, अगर मैं किसी भी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी उठाऊ तो वहां पे एंगल क्या होगा 0, वहां पे एंगल क्या होगा 180, एंड cos 180 इज इक्वल टू नेगेटिव, सो माय वर्क इज व्हाट, नेगेटिव। इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जाम के लिहाज से बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर है कि ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये ए और बी दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है। हाउ कैन देयर स्केलर प्रोडक्ट बी जीरो एंड हाउ कैन देयर वेक्टर प्रोडक्ट बी जीरो। हमसे ये है कि इसका स्केलर प्रोडक्ट कब जीरो होगा और वेक्टर। अब देखिए बच्चे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहां पे अगर हम कंडीशन लगा ले कि इफ वेक्टर ए इज अ परपेंडिकुलर टू बी, सो एंगल क्या होगा 90 डिग्री, सो माय फार्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री जीरो के बराबर है, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर हम एंगल को 90 पुट करें तो ए डॉट बी हमारे पास जीरो होगा। इसके बाद क्वेश्चन में है कि वेक्टर प्रोडक्ट कब जीरो होगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए फार्मूला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। अब अगर इफ वेक्टर ए इज अ पैरेलल टू बी, सो यहां पे एंगल इज सो मच 0 डिग्री। अब यहां पे ए क्रॉस बी हमारे पास होगा ए बी साइन 0 डिग्री एंड यूनिट, सो साइन 0 डिग्री 0 के बराबर, सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूव किया कि अगर ए और बी के दरमियान एंगल 0 हो तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको लेक्चर नंबर 9 पार्ट बी में, इसके 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।